नमस्कार, स्वागत है आपका लाइफ खबर में। मैं हूं आपके साथ नाजनीन खान। चलिए रुख करते हैं यूपी की पांच बड़ी खबरों की तरफ। बिजनौर के बड़पुर मकान तालाब में एक गरीब परिवार अपने नवजात का एक रिश्तेदार को सौदा कर दिया। बताया जा रहा है कि ये गरीब परिवार नवजात की परवरिश नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसने ऐसा किया। साथ ही पीड़ित ने बताया कि उसकी सरकार ने भी कोई मदद नहीं की। उसके पास रहने के लिए एक झोपड़ी है, जिसमें वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पूरा मामला यह है, मैंने अपना बच्चा दे दिया था, मुझसे नहीं हो रही इनके। कितने बच्चे हैं आपके? पांच हैं। तो सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई मदद सरकार की तरफ से कुछ नहीं। वहीं मेरठ पुलिस ने लूटपाट और चैन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। एसपी सिटी ने भारी बल के साथ लिसाड़ी गेट इलाके में स्नैचर के खिलाफ अभियान चलाया और ताबड़तोड़ दबिश दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही इलाके के लोगों ने घरों से ताला लगाकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दबिश के दौरान कई वाहनों को भी सीज किया गया है। एसपी सिटी ने कहा कि चोरों के धरपकड़ का अभियान जारी रहेगा। हमारा ये एक अभियान है कि इसमें जितने लोग पहले जेल जा चुके हैं, सबका वेरिफिकेशन हो जाए एक बार, सबका डोजर तैयार हो जाए हमारे पास, और बाकी इसी क्रम में जो जितने लोग और भी अपराध करने वाले हैं उसको हम अरेस्ट कर सकें। वही रामपुर जिले के सहबाद में बीजेपी विधायक देवर पर खुलेआम गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि विधायक के देवर ने एक कर्मचारी की पिटाई कर दी। पीड़ित कर्मचारी लेखाकार पद पर तैनात था। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक के राजबाला देवर को लेखाकार कार बुलाकर उसकी पिटाई कर दी। कर्मचारियों ने इस मामले में रोष जताते हुए जिला अधिकारी से इसकी शिकायत की है। बरसात की शुरुआत होते ही सिद्धार्थ नगर की नदियों में पानी का स्तर बढ़ने लगा है, जिसके बचाव में प्रशासन ने काम भी शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने बाढ़ से बचने के लिए जो बांध बनाए हैं, अगर वो बांध टूट जाता है तो सैकड़ों गांव बाढ़ के चपेट में आ जाएंगे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अभी तक बांधों की मरम्मत के लिए 75 लाख रुपए शासन ने दिए हैं, बाकी और रुपए के लिए डिमांड शासन को भेज दी गई है, जिससे कि बांध के डेंजर पॉइंट को सुरक्षित किया जाएगा। वहीं एटा के सर्किट थाना क्षेत्र में दबंग ने स्कूल से लौट रही मासूम से दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि एक दबंग मासूम को आम दिलाने के बहाने बाग में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पीड़ित मासूम के परिजन न्याय के लिए पुलिस के चौखट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके चलते उन्होंने जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर जिला अधिकारी ने उन्हें मदद का भरोसा भी दिलाया है। ये लोग सकीट के रहने वाले हैं और जैसा कि उनकी माता ने बताया कि एक महीने पहले की ये घटना है, तो उस समय इन्होंने कोई संपर्क नहीं किया। यद्यपि इसमें तत्काल मैंने SHO सकीट से बात किया है और ये लोग वहाँ जा भी रहे हैं और CMO साहब को भी मैंने निर्देशित कर दिया है और इसमें आवश्यकता होगी तो मेडिकल कराया जाएगा और जो भी दोषी हैं, कोई रास्ते का भी विवाद है इनका और वो भी हो सकता है कि उसके लिए भी दबाव इनके ऊपर बनाया जा रहा है, हर पहलू पे विचार कर लिया जाएगा और उसमें बहुत ही कड़ी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो भी दोषी है। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव खबर। नमस्कार।